दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आपको यहाँ पर वही टिप्स देने वाला हूँ जैसे कि गूगल पे आप सर्च करते हैं कि टिप्स बिफोर बाइंग एयर कंडीशनर, या फिर आप यूट्यूब पे और वीडियोस देखते हैं कि कौन सा एसी आपके लिए बेस्ट होने वाला है, तो वो टिपिकल टिप्स मैं इसके अंदर नहीं देने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपना सालों का एक्सपीरियंस, जहाँ पर प्रैक्टिकली मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि कौन सा एसी आपके लिए बेटर हो सकता है। तो अगर आप कंफ्यूज है कि विंडो एसी लूं या स्प्लिट एसी लूं, एक टन का एसी बेटर रहेगा, डेढ़ टन का एसी बेटर रहेगा, दो टन का या उससे ज्यादा का, कितने स्टार रेटिंग में आपको कितने पैसे की बचत होने वाली है, कौन सा ब्रांड आपके लिए अच्छा होने वाला है, या फिर इन्वर्टर एसी भी आजकल आ रहे हैं तो आपके लिए वो बेटर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, सभी का मैं आपको प्रैक्टिकल जवाब दूंगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो मेरा नाम है संदीप और चैनल का नाम है टेक वाणी। बिना वक्त गवाए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जिस चीज की मैं बात करूंगा वो ये है कि आपके रूम के हिसाब से कौन सा एसी आपके लिए बेटर होने वाला है। अब नॉर्मली क्या होता है कि सभी लोग ये बताते हैं कि अगर आपका 100 स्क्वायर फीट के आसपास का अगर रूम साइज है, मतलब 10 बाय 10 है, तो आप 1 टन के एसी के लिए जा सकते हैं। वहीं पर मैं आपको एक चीज जरूर शेयर करूंगा, अगर ग्राउंड फ्लोर पे आपका वो रूम है देन डेफिनेटली आप 1 टन के एसी के लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका रूम जो है वो टॉप फ्लोर पे है तो मेरे भाई हो सकता है आपको वहां पर 100 स्क्वायर फीट के अंदर ही 1.5 टन की जो एसी है उसकी जरूरत पड़ जाए। क्योंकि रीजन ये है, एयर कंडीशनर इज डिफरेंट फ्रॉम एयर कूलर। एयर कूलर क्या करता है, बाहर की हवा को लेता है ठंडा करके अंदर रूम में देता है, लेकिन एसी क्या करता है, एसी जो है वो अंदर रूम की हवा को लेता है, उसको ठंडा करके वापस रूम के अंदर देता है। तो ऐसे में एसी के अंदर एक थर्मोस्टेट लगा होता है जो सेंसर, मतलब कि सेंस करता है कि जो आपने टेम्परेचर सेट किया है उतना हुआ कि नहीं हुआ। जब उतने टेम्परेचर पे हो जाता है तो वो कंप्रेसर को जो है वो बंद कर देता है, और फिर जब टेम्परेचर हाई होने लगता है तो कंप्रेसर को वो ऑर्डर देता है और फुल स्पीड में जो है वो कंप्रेसर चालू हो जाता है। तो ऐसे में जो लोग ये सोचते हैं कि जो ग्राउंड फ्लोर पे एसी काम करने वाला है वही टॉप फ्लोर पे भी काम करेगा, तो ऐसा नहीं है। और कभी कभी लोग ये भी सोच लेते हैं कि मेरा रूम अगर बड़ा भी है तो मैं 1 टन का एसी लगा लेता हूं तो मेरा बिजली का बिल कम आएगा। दोनों ही आपके भ्रम में इस वीडियो में दूर कर देता हूं। एक तो अगर आपने रूम बड़ा होने के बाद भी छोटा एसी लगाया तो पहली बात तो वो रूम को ठंडा नहीं कर पाएगा, थर्मोस्टेट कंप्रेसर को कभी डाउन होने ही नहीं देगा, कंटिन्यूअस एक तो एसी चलता रहेगा और आपको कूलिंग भी उतनी नहीं मिलने वाली है और बिजली की खपत भी आपकी ज्यादा होने वाली है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, एक तो रूम के साइज के हिसाब से तो एसी ले लेना भाई, बाकी अगर टॉप फ्लोर पे है थोड़ा सा बड़े उसका मतलब कि टन का आप एसी अपने लिए लेना ताकि आपको कूलिंग भी प्रॉपर मिले। और वैसे भी मई जून जुलाई के महीने में तो गर्मी इतनी पड़ती है कि अच्छे अच्छे ब्रांड के एसी जो है वो फेल हो जाते हैं, तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब बात आती है दूसरी की, विंडो एसी आपके लिए बेटर रहेगा या स्प्लिट एसी बेटर रहेगा। देखो भाई, अगर आपके रूम में विंडो है और उस विंडो में आप एसी लगा सकते हैं, मतलब फिट करने का अगर आपके यहाँ पे जगह है, जुगाड़ है विंडो एसी को, तो डेफिनेटली गो फॉर विंडो एसी। लॉन्ग टर्म में आपको विंडो एसी ज़्यादा मतलब बेटर रहने वाला है, श्योरिटी के साथ आप लिख लीजिए। लेकिन अगर आपके पास स्पेस ही नहीं है, कोई आपको दिक्कत है, तो आप स्प्लिट एसी के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि यार स्प्लिट एसी में आवाज़ नहीं होती या कूलिंग ज़्यादा होती है। स्प्लिट एसी का ना ब्लोअर थोड़ा फास्ट चलता है इसलिए कूलिंग थोड़ी ज़्यादा जल्दी वो कर लेता है, हवा को जल्दी वो थ्रो करता है, उसको फेंकता है। वही विंडो एसी में थोड़ा सा स्विंग चलता रहता है तो वो इतनी तेज़ हवा उसके अंदर आती नहीं है, लेकिन कूलिंग थोड़ी देर में हो ही जाती है रूम के अंदर। लेकिन लॉन्ग टर्म में विंडो एसी ज़्यादा बेटर रहता है। कुछ लोग बोलते हैं कि विंडो एसी के अंदर आवाज़ ज़्यादा होती है, स्प्लिट एसी के अंदर आवाज़ नहीं होती है, तो वो फिट करने वाले के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। यहाँ पर मेरा एक सजेशन आपको ये है और अपने से मैं आपको बता रहा हूं कि कंपनी के सर्विस सेंटर से ही बंदों को बुलाएगा, उन्हीं से ही आप इंस्टॉलेशन कराएगा। क्योंकि जो लोकली जो टेक्नीशियन होते हैं ना, ये आधे अनपढ़ ऐसे लोग होते हैं जिनको इंस्टॉलेशन करनी आती नहीं है ढंग से, और आपके एसी की ये बैंड बजा के रख देते हैं। मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि ना तो इनसे सर्विस कराइए ना इनसे इंस्टॉलेशन कराइए। इंस्टॉलेशन के अंदर ही एसी को ऐसा कर देते हैं कि वो आवाज़ ज़्यादा करने लग जाता है। तो यहाँ पर मेरा सजेशन है कि जब भी आप काम कराएं कंपनी के ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही काम कराएं, उन्हीं के लोगों से काम कराएं। और कभी कभी तो आजकल क्या है ना कि जब बहुत ज़्यादा डिमांड होती है ना तो कंपनियाँ भी आउटसोर्स कर देती हैं और इंजीनियर्स को बुला लेती हैं। ऐसे में इंजीनियर्स पर भी ध्यान दीजिएगा कि वो ऑथराइज तो काफ़ी टाइम से वो उस ब्रांड के लिए काम कर रहे हों। तो भाई ये तो बात होगी विंडो या स्प्लिट एसी या कितने टन का एसी आपके लिए बेटर रहेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि इन्वर्टर एसी ले लूं क्या। अब भाई इन्वर्टर एसी कब काम आता है, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि थर्मोस्टेट जो है वो जब टेम्परेचर होता है तो वो बताता है, फिर कंप्रेसर जो है वो बंद हो जाता है, फैन चलता रहता है, कंप्रेसर फिर ऑन होता है जब टेम्परेचर हाई जाता है। इन्वर्टर एसी बड़े स्मार्टली काम करता है और इन्वर्टर एसी आपके लिए तब काम का है जब आप कॉन्टिन्यूस जो है वो एसी को बहुत लंबे टाइम तक चलाते हैं। तो शोरूम्स वगैरह हैं या फिर घर में 24 घंटे एसी चलना है, 24 घंटे नहीं मतलब 12-15 घंटे अगर एसी चलना है, देन यू कैन गो फॉर इन्वर्टर एसी। रीजन ये है क्योंकि वो कंप्रेसर जो है वो बड़ी
स्मार्टली काम करता है, टेम्परेचर जब आता है तो वो पावर कंजप्शन करना कम कर देता है, तो ऐसे में आपका रेगुलर आपको कूलिंग भी प्रॉपर मिलती रहती है और इन्वर्टर एसी स्मार्टली उस चीज़ को एडजस्ट भी कर लेता है। अब दो मुद्दे की बात कर लेते हैं भाई। पहली बात तो कि आपके लिए कितने स्टार रेटिंग वाला एसी ठीक रहने वाला है, और दूसरी बात करूँ तो ब्रांड्स कौन से अच्छे होने वाले हैं, कौन से एसी आपके लिए बेटर हैं। तो स्टार रेटिंग की जहाँ तक बात करूँ तो ये तो बड़ी सबको ही मालूम है कि 3 स्टार जो है वो 1 स्टार के मुकाबले कम एनर्जी कंजप्शन करता है, 5 स्टार जो है वो 3 स्टार के मुकाबले एनर्जी कम कंजप्शन करता है। अब 1-2 स्टार को तो छोड़ देते हैं, 3 स्टार और 5 स्टार में मैं कंपैरिजन करता हूँ। अगर आपको खरीदते वक्त ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब 5-6 हज़ार या उससे ज़्यादा का डिफरेंस है, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप 3 स्टार एसी के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप 6 से 7 घंटे एवरेज एसी चलाते हैं तो साल में आप मैक्सिमम 300 रुपये, मतलब 250 से 300 रुपये के आसपास आप डिफरेंस कर पाएंगे। अगर आप एनर्जी कंजप्शन की बात करते हैं, बिजली के बिल की बात करते हैं, तो 250-300 रुपये अगर मैं बात करता हूँ तो एक साल के, तो एक एसी की जो लाइफ होती है वो 8 से 10 साल होती है मैक्सिमम। तो ऐसे में आप 2500-3000 रुपये मैक्सिमम बचा पाओगे उस एसी से पूरे अगले 8-10 साल में। तो अगर आपका डिफरेंस जो है वो 3 स्टार और 5 स्टार में 5-6 हज़ार या उससे ज़्यादा का है, जो कि नॉर्मली हो जाता है, देन आप बिल्कुल बिंदास होकर 3 स्टार एसी ले सकते हैं। और अगर आपको सरकार की बिजली बचानी है तो आप 5 स्टार एसी के लिए जा सकते हैं। अगर आपको अपनी पॉकेट में थोड़ी सी सेविंग चाहिए तो आप 3 स्टार के लिए भी जा सकते हैं। थोड़ा सा इसको वाइजली चूज़ कीजिएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और बात करते हैं अगर ब्रांड्स की, तो पिछले कई सालों में अगर मैं बताऊं बेस्ट एसी की अगर बात करते हैं तो ओ जनरल का एसी जो है वो बहुत अच्छा है। ओ जनरल का एसी आप आंख बंद करके ले सकते हैं। विंडो एसी मैं यूज़ कर रहा हूँ यार, मतलब कि मैंने बहुत सारे ब्रांड यूज़ करे लेकिन वाकई में बहुत अच्छा एसी ये है। हिताची के एसी भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन पिछले 1-2 साल से 3 साल से पता नहीं क्या हो गया यार, वो क्वालिटी नहीं आ पा रही है। होपफुली शायद इस साल जो है वो जो एसी आई हिताची के वो अच्छे हैं। बाकी डाइकन के एसी बहुत अच्छे हैं, ब्लू स्टार के एसी काफ़ी अच्छे हैं। जिन एसी ने मुझे जेन्युइनली बहुत डिसअपॉइंट करा है पिछले 2 साल में है, वो है वोल्टास का एसी। यार सच बताऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी वोल्टास के एसी से। मैंने पता नहीं कितने अपने जानकारों को वोल्टास का एसी दिलाया, लेकिन ये एक ऐसा एसी है जो पहले साल जब चलता है तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, दूसरे साल उससे ज़्यादा गिर जाता है, तीसरे साल उससे ज़्यादा गिर जाता है। जितना पुराना होता है उतनी इसकी परफॉर्मेंस जो वो ख़राब होती जाती है। जबकि ओ जनरल की बात करूँ, हिताची की, डाइकन की बात करूँ या ब्लू स्टार की, वो कंसिस्टेंट रहते हैं। हालांकि हिताची जैसे मैंने बोला कि पिछले 2-3 साल से उतनी अच्छी मेरे को मॉडल्स कुछ नए आए थे जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई, अदरवाइज ओ जनरल तो बहुत ही अच्छा है। और रेस्ट ऑफ ये है कि आपको कौन सा ब्रांड पसंद आता है पर्सनली, उसमें भी आप जा सकते हैं। जैसे मैंने अपने एक दोस्त को पैनासोनिक का इन्वर्टर एसी दिलाया एंड ही इज़ वेरी हैप्पी फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स, वो कह रहा है कि बहुत अच्छा एसी है। फिर भी मैं एक काम कर लेता हूँ कि 1 टन 1.5 टन और 2 टन तीनों के अलग अलग जो बेस्ट ब्रांड जो मुझे लगते हैं जो मॉडल बेस्ट है उनके विंडो और स्प्लिट एसी तीनों का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उन मॉडल्स को देख लीजिएगा और आसपास में जाकर जहां आपके रिलायंस डिजिटल या विजय स्टोर टाइप के ऐसे जो स्टोर्स होते हैं ना, क्रोमा वगैरह, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। बाकी प्राइस जहां पर भी अच्छा लगे वहां से परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होंगी, और इसी तरीके के वीडियोस और टेक अपडेट्स देखने के लिए आप चैनल के साथ बने रह सकते हैं। मैं मिलता हूं बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।